इस गांडू को जाके भी 15 मिनट हो चुके हैं, अभी वो कार्ड भी वो भूल गया अंदर रूम में, आई एम 100% श्योर। तू ले क्या? तू लेकर आना। नहीं मेरे को चलानी है, ये दोनों गोल्फर चलाएंगे और मैं तो चलाऊंगा, मैं नहीं छोड़ रहा। ये कैसा कैसा साउंड कैसा आ रहा है? लाइसेंस है तेरे भाई के पास? ऑलराइट ही मडम मडम, स्वागत है सभी का बहुत बहुत एक नए ब्रांड न्यू व्लॉग पे। बैंकॉक में आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं, थोड़ा आउटस्कर्ट साइड एक एंशियंट सिटी है बैंकॉक में, उसके बारे में हम लोगों ने बहुत सुना है। तो आज हम लोग जाने वाले यहाँ से 46 मिनट्स दूर इतनी कड़ी धूप में टू बैंकॉक एंशियंट सिटी। कल लास्ट डे का प्लान है वर्ल्ड सफारी, तो आज हमें कैसे भी करके एंशियंट सिटी जाना ही था। सो आज फाइनली वहाँ करते हैं। दो तीन चीज़ें थी आज हमारे पास जाने के लिए। वाटर पार्क है यहाँ पर एक बहुत बड़ा, बट मैंने बोला यार वाटर पार्क तो इमेजिका वगैरह भी है अपने यहाँ पर, तो बेटर है कि हम लोग आज एंशियंट सिटी कवर कर लें। हमारा प्लान ये है कि 10 बजे तक निकले, 11 बजे तक पहुँचे, 11 से 3-4 बजे तक एक्सप्लोर करें एंड 3-3.5 बजे तक निकल जाएँ, सो दैट यहाँ पर हम लोग इवनिंग फेरी राइड करवाएँ। And that is going to be an amazing experience as well. Ferry ride is must in Bangkok. आज हमारा by the way स्कूटी भी रेंटल जो था वो 2 दिन के लिए लिया था हमने, आज हमारा लास्ट डे है। बहुत अच्छा मज़ा आया स्कूटी में घूम के एंड इतना कन्वीनियंटली हम लोग ने यहाँ से वहाँ किया ना, बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है 700 baht स्कूटी के लिए थे, 2000 डिपॉजिट थे, फ्यूल वगैरह के भी मेरे हिसाब से 200 baht जितने लग जाएंगे। हमारे बिल्डिंग में पार्किंग करी उसके आगे सामने कितने 200 baht पे करे हैं वो क्या बोली पता है? अगर तुम फटाफट आगे अंदर बाहर करते रहोगे तो तुमको उतना नहीं भरना पड़ेगा। कल मैंने उससे 10 मिनट बात किया गूगल ट्रांसलेट से, मेरे को पूरा समझा रही थी कि 10 मिनट बात किया तूने मेरे से, बात किया 10 मिनट ये ट्रिप में? अरे तो उसको वही औरत थी, वो लड़का नहीं आया था इसलिए उसको समझाने वाला। हाँ औरत थी इसलिए तो तू 10 मिनट बात करेगा। ये देखो बॉयस, इस गांडू ने 3 बार घर खुलवाया है, 3 बार। चाबी अंदर ही नहीं रहेगी ना? किधर अंदर? गाड़ी गई। अरे अभी सुबह मैंने रात को बैग में रखी थी मैंने। मैं बोला मेरे इतना ऐसा क्यों लेते हैं अगर पता नहीं है तो? इधर रखने की जगह ऐसा रख दिया होगा मैंने, ऐसे किया जगह ऐसा। मैं बोल रहा हूँ मैंने जेब में रखी थी निकाल के। बोलता है कि इधर भी फेंक दिया। गाइस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं तो ये वाली चाबी किसने कहाँ डाली वो मालूम नहीं। ये ले तेरी एक चाबी मेरी एक चाबी, दोनों बैग में भर दी। देखो चल जल्दी, द ट्रिप इज ऑन बेबी, फाइनली आफ्टर हाफ एन आवर। मेरे को नहीं लग रहा हम लोग वैसे भी 11 बजे से पहले निकलने वाले हैं, बिकॉज वी आर येट टू हैव आवर फूड, ब्रेकफास्ट एंड लंच ब्रंच। और हमारे बीटी बॉय रेडी होते हुए फुल ऑन ले लद्दाख जा रहे हैं अभी। तो हमारे बीटी भाई 5वीं बार वापस रूम में जा रहा है क्योंकि वो सिक्योरिटी का कार्ड भूल गया। पार्किंग अगर हम करते हैं तो एक कार्ड होता है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, कभी हम लोग ने चेक इन करा, कभी हम लोग ने बाइक बाहर लेकर गए, कभी अंदर लेकर आए, तो वो कार्ड ज़रूरी है। कल भी कार्ड भूल गया था, आज भी कार्ड भूल गया। अरे क्या गांडू है भाई ये गांडू, ऐसे दोस्त हैं तुम्हारे पास कोई ट्रैवलर? इस गांडू को जाके भी 15 मिनट हो चुके हैं, अभी वो कार्ड भी वो भूल गया अंदर रूम में, आई एम 100% श्योर। ये बात है हमारे बिल्डिंग में नीचे ईट माई ट्रक करके फूड स्टॉल लगा हुआ है, ईट माई ट्रक। यार बीटी अभी भी नहीं आया, 15 अभी चाबी भी उसके पास है, मैं नहीं जा सकता ऊपर। तो ये हमारे वॉचमैन है, बहुत क्यूट है, 200 baht देने पड़ेंगे अब हमें। की कार्ड फॉरगॉट? यस की कार्ड। भाई पहले बोला कि की कार्ड घूम गया तो 200 baht दो, अब बोला की कार्ड घूम गया तो पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं। सो अपना बीटी ने कार्ड लॉस्ट कर दिया, पार्किंग फी लगी हमको आई गेस 110 baht। हाँ रात को 12 बजे आगे से हम लोग आए थे स्कूटी में, तो रात से अभी तक की पार्किंग फी 110 baht एंड जो कार था वो हम लोग ने घुमा दिया, मैंने नहीं बीटी ने घुमा दिया, इसीलिए 200 baht खाली कार्ड के। सो गाइस अभी फ्राइज़ मंगवाई है, बीटी ने अपना खाना मंगवाया है जो कि थोड़ा बहुत चिकन वाला है, बट ये इधर वेज में खाली एक फ्राइज़ ही है, थोड़ी अलग टाइप की फ्राइज़ है ये। अब तक मैंने जितनी भी जिस जिस जगह से फ्राइज़ खाई है ये सबसे बेस्ट लगी है मुझे, कि बहुत अच्छा इसमें मसाला डाला गया है, बहुत अच्छे से ये क्रिस्प है एंड एकदम परफेक्टली इन्होंने ये बनाई है। ऑनेस्टली मुझे इतना टेस्ट में समझ में आया है, बाकी बात करते करते पानी आ रहा है। सुबह का नाश्ता अगर आपका फ्राइज़ हो फ्रॉम पास्ट 5 days कैसा लगे ज़रा आप इमेजिन कर सकते हो? हाँ मोड़ा भाई मोड़ा भाई ने एकदम मस्त खाना खा के रेडी हो चुके हैं, फुल ऑन एनर्जेटिक। क्या बोलता है एनर्जेटिक एकदम? क्या गांडू है, क्या हो गया खा के थोड़ा आलस आया है कहाँ कुछ? अगर मैं अभी देखो वो गाड़ी बहुत दूर है ठीक है, अभी मैं यहाँ से चलना चालू कर दिया तो भी वो गाड़ी रुक जाएगी। देखो भाई टेस्ला है वो, व्हाट द फक।
अच्छा वो लोग, अच्छा वहाँ पर फुटपाथ है, सॉरी 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 सॉरी, मेरे को इतना वो नहीं है ना, प्रैक्टिस नहीं है इंडियन, मेरे को इतना प्रैक्टिस है ना फुटपाथ से क्रॉस करने का, तो बीटी ने सही क्रॉस करा फुटपाथ से। हमको क्या है ना थोड़ा गाड़ी चलाने का आदत है फुटपाथ पे, कैसा दिख रहा हूँ, बट हम लोग अभी जस्ट मिडल ऑफ द हाईवे रुके हैं बिकॉज हमें एक बहुत ज्यादा सुपर डुपर मार्वेलस, कितना जाइगेंटिक है ये बीटी, बहुत बड़ा भाई देखो, मतलब हमको बाइक से ऐसे देखना पड़ रहा था ऐसे ऊपर। हाँ गणपति अप्पा भाई, लोग यहाँ पर गणपति को बहुत मानते हैं। लुक एट दिस, ये हाईवे यहाँ पर है, हाईवे की हाइट से ट्रिपल हाइट है इजी। ये देखो ये इतना गांडू है, हम लोग अभी टिकट लेने जा रहे थे, मैंने उसको बोला चाबी लिया, हेलमेट तो डाल अंदर, ये देखो देखो हेलमेट वेलमेट पहन के अंदर जा रहा था। हाँ वो ठीक है, वो ठीक है, वो तो मानता हूँ। जितना सोच रहे थे ना उतना हम लोग का बैड एक्सपीरियंस नहीं था, धूप है अभी यहाँ पर, धूप है बट ऑन द वे हमको ज़्यादा धूप नहीं लगी बिल्कुल भी, इट वॉज फन। मैं तो पीछे बैठा था इसलिए, बट बीटी को ज़्यादा हाथ वाथ झकड़ने पड़े होंगे, सो नाउ वी आर गोइंग फॉर टिकटिंग। 700 बात फॉर वन पर्सन, एंड हम लोग गोल्फ कार्ट भी ले रहे हैं, हम लोग चलाएंगे, वो दोनों में से कोई एक चलाएगा, इट विल बी फन। ऑलराइट व्हाट अ मैन, बहुत ज़्यादा हम लोग एक्साइटेड हैं, एक गोल्फ कार्ट हमें पूरी चलाने के लिए दी गई यहाँ पर ओपनली, और एक मैप दे दिया है, बहुत बड़ा एंशियंट सिटी यहाँ पर हम लोग घूम सकते हैं। सो बीटी अभी फिलहाल चला रहा है, मैं अच्छे से व्लॉग करूँगा आप लोग के लिए, एंड लेट्स बिगिन व्हाट अ मैन, वी आर हैविंग अंडरफुल डे। क्या बोल दिया मैंने मालूम नहीं, चल मैप कौन पकड़ेगा, दे मैं पकड़ दूंगा, ये सब देखना इधर 11 नंबर पे जो लिखा है वो सारा आपने को बताया है, 11 नंबर पे क्या है, द टाइगर किंग्स पैलेस, ये सब मार्किंग है और ये सारे नाम है मार्किंग के। चल कैसा लग रहा है, अच्छा तो लग रहा है, किधर लेके जा बता तू, घूमते मैं तो बोलता हूँ कहीं जाना ही नहीं है। हाँ ये क्या है, रुक जा एक मिनट, टोपी बजा रही है, चल जाने जा के वो बुद्धा देख, बुद्धा तीन बुद्धा भाई, 122 जगह है यहाँ पर एंशियंट सिटी में घूमने के लिए, सोचो अभी रुक 8 नंबर ग्रुप ऑफ इमेजेस, ये बड़े झाड़ के नीचे ही अपन शायद, अभी हमें पीछे जाना है तो ये गोल्फ कार्ट में ये वाला भी फीचर है, यहाँ पे बटन है देखो रिवर्स, अभी रिवर्स जा रहे हैं, ये देखो चला पीछे लेते जा, यहाँ से डालो, फुल ले, पहले पूरा घुमा स्टीयरिंग, हाँ और घुमा, ये देखो कितना सेक्सी है, पता नहीं इधर, वी डोंट नो व्हाट इज दैट, हमारे पीछे से हमारे साथी आ रहे हैं, ओ भाई हाय, अंदर वाले रोड पे डालो, लेफ्ट वाले रोड पे डालो, लेफ्ट वाले रोड पे ही रख, मैं अंदर ले, रुक, राइट दिखा दिया मैंने सिग्नल, ओ ये शॉपिंग के लिए सब मॉल थे छोटे छोटे, लाइक शॉप्स थे छोटे छोटे, पानी पीना यार बहुत सारा पानी, ले भाई ले, अभी गोल्फ कार्ट से GTA की गोल्फ कार्ट याद आ गई, वे हाँ यहाँ रुक पानी मिल जाएगा आपको, पानी और कुछ आइस टी वगैरह डाल दे, अंदर डाल दे सीधा। सो बाय द वे हम लोग यहाँ से अभी नाश्ता पानी लेंगे, एंड फिर हम लोग ये वाला टेम्पल जो भी है ये विजिट करेंगे। By the way, देखो ये इलेक्ट्रिक बाइक्स भी मिलती है यहाँ पर, एंड हमने गोल्फ कार्ट करी, थोड़ा शेड रहेगा तो अच्छा, बिकॉज हम लोग 40 मिनट स्कूटी से आए हैं ना इसीलिए। चलो कुछ नाश्ता पानी नहीं, ठंडा जूस स्मूदी पीते हैं। अबे बंद है क्या, पानी नहीं पी सकते गाइस, बंद है। सो हमें जगह मिल गई है फाइनली कुछ पानी वानी पीने की, दो पानी का बॉटल दो बार पहले मुँह पे लगा दूँ, मैंगो टैंक पाउडर लग रहा है मेरे को, तो पाउडर्ड शुगर लग रही है और थोड़ी खड़ी शुगर लग रही है। गरम, इज इट हॉट, hot no hot cold, I need nothing cold, hot bole nahi bhai, hot bole anything cold, okay yes cold, ubal jayega andar se mera kidney,
एक्चुअली यहाँ पर कहीं पर थाईटी नहीं लिखा है, नहीं लिखा, लिखा है थाईटी बट स्मूदी वूदी लिखा है तो देखा हर एक बर्फ है, बर्फ डाला है उन्होंने। अच्छा दो ऑप्शंस होते हैं, तीखा गरम पीने का और एक आइस्ड पीने का। अट गई इसकी माँ कसम, कितना गर्म पा रही थी। जितना बच गया उतना बर्फ डाल के निपटा लो, देख रहे हो। थैंक यू हाउ मच 35 बार Let's try this. Excuse me. Straw le try kar pehle. तो गाइस वक्त आ चुका है कि एंशिएंट सिटी में हमारा सफर खत्म होने इसके हाथ में गाड़ी आ गई है। लाइसेंस है तेरे भाई के ऊपर है क्या? कैसा आदमी को लाइसेंस दे दिया भाई इंडियन गवर्नमेंट। ऑलराइट सो आई डोंट नो कहाँ आए बट पहली जगह पर आ चुके हैं हम लोग। थोड़ा थोड़ा मोन्टाज, थोड़ा थोड़ा तुमको हम जगह एक्सप्लोर करते हुए दिखेंगे यहाँ पर। यहाँ हम लोग क्यों आए पता है? एक रीज़न है, पता बीटी क्या हो सकता है जो मेरा दिमाग रीड कर सकता है क्या तू? वही जो तूने दिखाया था अभी। नहीं लड़कियाँ नहीं है यहाँ पर, बहुत सारा पानी और ठंडी हवा रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। ये इसको पता नहीं था गाइस, इसको इधर पता था। लुक एट दिस बिहाइंड मी, कितना अमेजिंग दिख रहा है बॉयज। ये सब मेडिटेशन का जगह लग रहा है, लाइक अर्ली मॉर्निंग में मेडिटेशन करने आते हैं ना वैसा लग रहा है। इसलिए यहाँ पर अगर सुबह 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 ध्यान करने बैठे इधर आराम से बैठना तो बहुत पीसफुल है यार। ये तो कितनी सारी जगह है बैठने के लिए, एकदम मस्त रॉयल चीज रॉयल जगह दी गई है। इसके अंदर नहीं जा सकते हम लोग, वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। दोनों चल रहे तो शेक कर रहा है ये पूरा, दोनों चल रहे तो ये पूरा जगह शेक कर रहा है। वुडन का बना हुआ है भाई, देखो थोड़ा थोड़ा है ना। चलो गाइस वी आर लीविंग नाउ फ्रॉम दिस एरिया। हमें पता नहीं एग्जैक्टली एरिया का नाम क्या, बिकॉज मैप बहुत कंफ्यूजिंग है वहाँ पर एंड हम इतना थक चुके हैं कि हम इनिशिएटिव नहीं ले रहे उसको प्रॉपर पढ़ने का। तो ऐसा एक ये इनकी एक राइड होनी चाहिए, ऐसा पानी में एक दो सेकंड के लिए ऐसा डुबा के ऊपर लाएंगे। चल चाबी दे, बहुत चला ली गाड़ी, घंटा आधे टाइम चला, कहाँ भागेगा? चाबी तो मेरे पास है, कैसा भागेगा? और राइट अभी आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग गोल्फ कार्ट में क्यों बैठे हैं, क्योंकि गोल्फ कार्ट दोनों को चलानी है। तू आते टाइम चला सिंपल है। मुझे क्या, मेरे को भी कुछ नहीं, मस्त चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है, आराम एंजॉय है भाई। बोलते ना तू ले लेते हैं, बाजू बाजू में चलाते ना, कोई रिकॉर्ड कर पाए कुछ ना कुछ बात हो पाए। अब तो चल ना फिर, आते टाइम से लेके आ। तू लेकर आना, नहीं होगा तकलीफ। चलो अभी हम लोग यहाँ पर एंजॉय करेंगे अभी, और बैठ रहे हैं आराम से हम गर्मी में, कि दोनों गोल्फ कार्ट चलाएंगे और मैं तो चलाऊंगा, मैं नहीं छोड़ रहा जिद, और ये भी नहीं छोड़ने वाला, तो इधर ही बैठे रहेंगे हम। अभी यही है, कहीं गए नहीं है, बट ऐसा लग रहा है कि थोड़ा समझदार और बड़ा भाई होने के नाते बच्चे को खुश कर देते हैं, क्योंकि क्या ना टाइम वेस्ट होके गाइस लॉस मेरा ही है। कोई ना, आते टाइम मैं ले लूँगा, कोई नहीं। दोनों को मस्ती चढ़ी है बस गोल्फ कार्ट चलाने की, यहाँ पर इतना सब कुछ है उसे फर्क नहीं पड़ता हमको। अभी यू टर्न मार के भाई इसे बोट्स हैं चलते हैं, देखो इतना बाजू में से ले रहा है, इतने बड़े रोड में है, ऐसे ऐसा हो जाएगा एकदम। ओ भाग, ये देख लेट्स गो बॉयज। एंड एज यू गाइस नो कि ड्रैगन से तो हमारा बहुत पुराना नाता है। लुक एट दिस, जब हर एक जगह से निकलते हमारा सिर्फ एक ही दिमाग चल रहा है कि इस जगह से नहा कैसे सकते हैं, बस थोड़ा वो पिचकारी थोड़ा दूर मार देना ड्रैगन हमारे तो हमारे मुंह पे आ जाता। क्या चाबी दो दे, अपने गोल्फ कार्ट वहाँ लेकर आता हूँ।
चलो बेटी बाय बाय। ओ देखो हम लोग गाइस ब्रिज पे जला रहे हैं, लेट्स गो। देखो यार कितना मस्त है, पानी भाई स्मूदी होती कुछ भी थे। मुझे तो लग रहा है हम हर दो तीन डेस्टिनेशन में एक बार कहीं कुछ खाना पीना खाने के लिए उतरेंगे। कुछ फ्रेश जूस है क्या इनके पास? पाइनएप्पल स्मूदी, वाटरमेलन स्मूदी, मैंगो स्मूदी। वाटरमेलन भाई, ठंडा पानी मुंह पे लगते ही ऐसा लगता है कि अमृत पी लिया भाई। अमृत इधर ही है, वर्ल्ड इस अर्थ में ही है अमृत। अभी हमने जस्ट पिया दो बॉटल, स्टॉक भर लिया गया इस पानी का। एक बॉटल तो खाली कर दी पूरी मैंने, तीन बॉटल और ले ले बेटी क्या। थैंक यू। चलो ड्राइवर लेकर आना जरा आगे। सो ये जो स्टॉल था इसके बाजू में एक लाइन का है, जस्ट दो में 50 seconds वॉकिंग है, बट हम फिर भी गल्फ काटते जाएंगे। द घोस्ट म्यूजियम एट एस बॉस, भूत है अंदर। देखा कैसा कैसा साउंड, कैसा आ रहा है म्यूजिक। अबे बेटी इधर आ भाई, फुल डरावनी फीलिंग है। इन्होंने म्यूजिक ऐसा चलाया ना अंदर, देख कैसा बजा। क्या बंद हो गया लाइट सब? इनको भगवान है यहाँ पे। रुक पीछे ले रहा हूँ पहले। ये जो एंशियंट सिटी है ये बैंकॉक मेन जगह के बहुत आउटस्कर्ट में है, सो बस जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। इसलिए हम लोग को चाहिए तो बोट देखने जा सकता है, बता जाना है। अबे गाय आगे ले ले, आगे ले बोट। हाँ रुका ना, रुका रुका, चलो बॉयस एकदम एज तक चलेंगे बोट देखने के लिए जो मुझे देखनी थी। भाई अगर इन लोग ने रियल में बड़े बड़े समुंदर में ऐसी बोट डाली होती, डाली हो भी सकती है पता नहीं, अलग ही भाई उनका तो। फिर 100 लोग, 50-60 पीपल, 50-60 लोग तो आराम से आ जाएंगे बोट के अंदर। डॉक यार्ड भी बनाया यहाँ पर। भाई बोट बहुत अच्छी लग रही थी। मैं एक और चीज देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ बाय द वे, बहुत प्यारी चीज है वो भी, तुम बौखला जाओगे जो दिखने वाला है आगे। थोड़ा ही आगे, चलो लेट्स गो। इधर डालूंगे लेफ्ट में, थोड़ा आगे। हम लोग बाय द वे बॉयस ये देखने के लिए आए हैं। पानी वानी तो है ही नहीं भाई, ये इतना प्यारा दिख रहा था ना, ये पूरा एक ड्रैगन है बाय द वे, पूरा गोल्ड ड्रैगन, इसके बीच में ये मंदिर टाइप है। इतना बड़ा पूरा स्ट्रक्चर है और हर एक डिटेल, आंखों के पास देखो, उसकी मूंछ देखो, आंखों की आईब्रोज तक है इसके अंदर। वाह ऐसे बना लेते हैं यार एकदम। अभी मुंह पे है ना धूप, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा सीन दिख रहा होगा, सही से नहीं दिख रहा होगा। चलो भाई यही देखना था मुझे मस्त सा। अभी इसके आगे जो कुछ भी दिखता है दैट इज ऑल बोनस यार। इसने इधर इन लोगों ने ना कहीं बोर्ड मारने चाहिए कि ये जगह क्यों बनाई है, किसकी मेमोरी में बनाई है, क्या सिग्निफिकेंस है इस जगह का। सो मड़ा भाई मड़ा भाई, आगे चलते चलते हमें यहाँ पर दिखे हैं एलिफेंट्स। थोड़ा आगे लेना, यहाँ पर हमें दिखे हैं एलिफेंट्स, इसके ऊपर हम लोग राइड कर सकते हैं। बट मैंने सुना हुआ है कि एलिफेंट्स के ऊपर राइड करने से एलिफेंट्स को तकलीफ होती है, तो इसीलिए हम लोग नहीं कर रहे हैं। बट लुक एट द एलिफेंट्स भाई, इतने ह्यूमंगस हैं भाई। भाई एलिफेंट्स मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, वन ऑफ द क्यूटेस्ट एनिमल्स लगते हैं एकदम, जो उनको पानी में खेलते। हाँ एनिमल्स एलिफेंट्स को पानी में खेलते हुए देखोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। वहाँ पर फ्लोटिंग मार्केट है शायद, लोग देख कर आए। आई गेस ये फ्लोटिंग मार्केट है, आई गेस ये फ्लोटिंग लाइक ये रियल में फ्लोटिंग मार्केट नहीं है, इन्होंने जस्ट एक वो बनाया है, एक एग्जाम्पल बनाया है। फॉर एग्जाम्पल
बिकॉज फ्लोटिंग मार्केट के मैंने वीडियोस देखे हैं, वो लिटरली पानी के अंदर डूबे होते हुए हैं थोड़े थोड़े घर। तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है अंदर ही, बनाना की चिप्स तल रहे हैं वहाँ पर। पहली चीज़ ऐसी लगी जो मुझे अच्छी दिखी वेजिटेरियन के लिए। चलें ब्रो, सो हमारी ट्रिप यहाँ पर एंड होती है एक रोमांचक एंशियंट सिटी की हमारी, और यहाँ पर हमारी ख़त्म होती है। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स अवर होम। कैसा लगा बेटी? क्या हुआ? अच्छा था, गुड एक्सपीरियंस, वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस आई वुड से। हम लोग ने मोस्टली सारी प्लेसेस एक्सप्लोर करी बाहर से, बहुत से सारी चीजें एक्सप्लोर कर ली। अंदर तो हाँ। उसको जो अच्छा लगा वो देखा। अंदर सिर्फ मैं गया, अंदर ये नहीं गया आज तक। इट्स 45 मिनट्स राइड वंस अगेन टू द मेन सिटी बैंकॉक। जैसे जैसे हम लोग सिटी से आउटस्कर्ट्स में आते गए, सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग और वो जो हॉश पॉश वाला इलाका सारा खत्म होते गया। तो वो बैंकॉक ही सिर्फ एकदम सेंटर वाला इलाका है जिसमें इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। पॉश इलाका है मतलब। पॉश। तो एज अ फीडबैक फ्रॉम माई साइड, एंशियंट सिटी में काफ़ी अच्छी अच्छी जगह थी, काफ़ी ओल्ड आर्किटेक्चर को इन्होंने बिल्ड करके इनका जो पास्ट हिस्ट्री था वो इन्होंने जिंदा रखा है यहाँ पर। अभी मैं और बेटी निकलेंगे हम लोग बैंकॉक में, जहाँ पर हमारा एयरबीएनबी भी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइस, आई होप यू ऑल एंजॉयड। लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट में जो आप प्यार दिखा रहे हो ऐसा दिखाते रहो, मैं हर एक कमेंट पढ़ रहा हूँ। एंड ये एक लड़का कौन है कार्तिक नाम का, ये साला लिखता है जल्दी जल्दी कमेंट कर देता हूँ, लाइक चाहिए। ये क्या है भाई, क्या कोई रेस लग रही है कमेंट सेक्शन में मेरे? चलो बाय बाय, लव यू ऑल गाइस एंड सायोनारा। Canción. El lunes.